यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वी होप यू आर वेल। फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज ऑल द स्टेट प्रीलिम्स दैट आर इन बिटवीन द यूपीएससी प्रीलिम्स। दोस्तों, ये वीडियो जो रहने वाली है ये बाइलिंगुअल सीरीज है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के ऊपर। ये जो सीरीज है बेसिकली ओरिएंटेड रहने वाली है, जिसमें हम द हिंदू, पीआईबी, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, सभी अखबार के जितने भी रिलेवेंट आर्टिकल्स के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जुलाई 2019 से 22 जुलाई 2019 के बीच में न्यूज़ में रही कुछ एजेंसीज, कुछ मिशंस और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस थॉट में बताया कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो यूपीएससी की जर्नी है आपकी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इसी जर्नी को आसान बनाने के लिए आप आईएएस आज की इस वीडियो में आपसे बात करेगा। चंद्रयान 1, गगनयान, गैंगेटिक डॉल्फिन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन और अर्थक्वेक के बारे में। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट चंद्रयान 1, गगनयान, गैंगेटिक डॉल्फिन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन एंड अर्थक्वेक। सो फ्रेंड्स, बेसिकली बाइलिंगुअल सीरीज है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर दोस्तों मैं ये अश्योरिटी देता हूँ कि यूट्यूब पे मौजूद सभी वीडियो भी आप देख लेंगे और आप आईएएस की रिवीजन सीरीज देख लेंगे तो आउटपुट बराबर निकलेगा। एंड वी अश्योर यू दैट 100% नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी अवे फ्रॉम दिस। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो बच्चे यूपीएससी या बीपीएससी यानी किसी भी स्टेट का मेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आप आईएएस एक फ्री इनिशिएटिव लेके आए हैं, जो कि है मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। आप अगर इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9994943600 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे आप जो है इसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है, जिसमें कि आपको एक्सपर्ट के द्वारा आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक जो कि चंद्रयान 1 है उसको हम आज शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रयान 1 जो है वो आज से 10 साल पहले जो है लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसने वाटर और आइस डिपॉजिट्स जो थे मून के ऊपर, जो है मून की सरफेस के ऊपर, इसने फाइंड किए थे। सो द बेसिकली चंद्रयान 1 फाउंड द वाटर ट्रेसेस इन द मून। रिसेंटली द इसरो हैज लॉन्च्ड चंद्रयान 2 विथ अ रोवर, ऑर्बिटर एंड लैंडर क्राफ्ट। सो द इक्विपमेंट्स ऑफ दिस मॉड्यूल आर नेम्ड एज विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर एंड ऑर्बिटर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इसरो फेल्ड इन दिस मिशन टू लैंड द प्रज्ञान रोवर एंड विक्रम, बट द ऑर्बिटर इज रनिंग वेल। So if it would be successful, India would have been fourth country to land on the south pole of the moon with a soft landing, and on the south pole landing India would be the first country to land. तो दोस्तों, बेसिकली होने ये वाला था कि इसरो का जो लैंडर और रोवर थे वो मून की जो सतह थी उस पर उतरने वाले थे, और जो ये ऑर्बिटर था ये मून के चारों ओर चक्कर लगाने वाला था। पर हुआ क्या, ये सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से जो है इसरो का जो है संपर्क चंद्रयान के जो रोवर और ऑर्बिटर हैं उनसे नहीं बन पाया। तो ये इन्फोग्राफिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको जो भी बनना है हमने इस इन्फोग्राफिक में आपके लिए जो है रख रखा है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि ये वास्तव में क्या है। देखिए, चंद्रयान 1 मिशन का क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों? चंद्रयान 1 मिशन का सिग्निफिकेंस ये है दैट इट फाउंड द फुटप्रिंट ऑन द स्पेस, बट इट विल इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशन। देखिए, दैट विल बी इंस्पायरिंग द फ्यूचर जनरेशन। देखिए, वाजिब सी बात है कि फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहेगा कि इसरो ने पहली बार जो है मून के साउथ पोल में लैंडिंग की कोशिश तो की थी, और जो गगनयान 2 मिशन हमारा आ रहा है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये एक पॉजिटिव थॉट है कि इसरो इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू हैव अ लैंडिंग ऑन मून। द ऑर्बिटर इज रनिंग पैरेलली एंड इट इज ऑर्बिटिंग द मून विच इज गिविंग कंटिन्यूअसली फोटोग्राफ्स, एंड वी विल नो विच फोटोग्राफ्स इट हैज गिवन एंड विच क्रिएटर इज नेम्ड व्हाट दैट कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2020. तो सो फ्रेंड्स, फॉर बेटर इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मून, बिकॉज इट विल कंडक्ट द टोपोग्राफिकल स्टडीज इन द मून। हाउ? द ऑर्बिटर इज कंटिन्यूअसली सेंडिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ द मून सर्फेस, एंड थ्रू दोज एनालाइजेशन द इसरो साइंटिस्ट आर एबल टू आइडेंटिफाई वट एक्चुअली द मून सर्फेस इज। सो फ्रेंड्स, दिस द चंद्रयान 1 मिशन विल ऑल्सो हैव यूनिफॉर्म एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्फेस, एंड विल एड्रेस वेदर द वाटर ओरिजिन ऑफ द मून इज totally relevant or not and how much water is there in the moon. So friends, जो ये चंद्रयान 1 मिशन है उसका बेसिकली ओरिएंटेशन इस ओर रहने वाला है कि किस प्रकार से जो है वाटर मून पे अवेलेबल है और कैसे जो है मून जो है ओरिजिन हुआ था, क्योंकि ये बेसिकली हेल्प करेगा आपके ओरिजिन को ट्रेस करने में। तो चंद्रयान 1, आई थॉट टू गिव यू दिस एज अ होमवर्क, बट कि चंद्रयान 1 मॉड्यूल ने वाटर के अलावा क्या क्या चीज़ें वो फाइंड आउट की थी। मगर दोस्तों, मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में ही पूरी कंप्लीट सीरीज मिल जाए, जिससे कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। तो देखिए,
द चंद्रयान 1 वाज बेसिकली लॉन्च्ड बाय पीएसएलवी C11 दैट विल आई एम रीडिंग दिस इन इंग्लिश बिकॉज़ सम ऑफ द इंग्लिश एस्पायरेंट फ्रॉम साउथ इंडिया रिक्वेस्टेड अस टू कंडक्ट द सीरीज इन इंग्लिश टू सो बेसिकली फ्रेंड्स आई नो द सीरीज कुड बी 30 टू 40 मिनट्स बट आई विल अश्योर यू दैट यू विल रिवाइज द टॉपिक्स वंस और ट्वाइस बिकॉज़ वंस यू विल लिसनिंग इन हिंदी एंड द अदर टाइम यू विल बी लिसनिंग इन हिंदी सो बेसिकली यू हैव टू बियर सम पेन लाइक आई सेड यू ही नहीं मिलती राही को मंजिल दैट थॉट यू शुड रिमेंबर व्हाइल यू आर लिसनिंग दिस वीडियो So basically the Chandrayaan 1 was launched in 2009 using PSLV C11 that was done because to prepare a three-dimensional atlas in the far side of the moon and that could find the photogeological mapping of the moon. So basically the question can be what was ISRO mission to find mineralogical and photogeological mapping of the moon that is Chandrayaan 1 you should remember this one and the second objective of the ISRO mission was detection of water and whether the magma ocean hypothesis was true or not. So friends let me tell you what is magma ocean hypothesis. See, magma ocean hypothesis basically says that moon was once completely in the molten stage. That is, then it condensed like the earth. It has been said in, for the earth that it was also in the molten stage. But, and it was confirmed by new spinal rock. So, what is new spinal rock? That is, the data from Chandrayaan 1 led that the new spinal rock type was found in the lunar far side. That was detected through the X-rays using the signals of weak solar flares. Indicating that there is presence of magnesium, silicon, calcium on the lunar surface. So, तो दोस्तों basically हुआ ये था कि इसरो ने जो ये मिशन लॉन्च किया था 2009 में ये PSLV C11 के द्वारा किया गया था टू प्रिपेयर द जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ द मून और इसके लिए जो था इसरो का जो बेसिक टास्क था वो फाइंड ये करना था कि मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस जो कि ये कहती है कि क्या न्यू स्पाइनल रॉक्स जो है मून पे प्रेजेंट है या नहीं है और मून जो है मैग्मा से बेसिकली बना है या नहीं बना है इसको लेकर जो है इसरो की ये चंद्रयान वन जो है इसने काफ़ी हेल्प की और इसमें न्यू स्पाइनल रॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका अर्थ ये है कि मैग्नीशियम सिलिकम और कैल्शियम लूनर सरफेस पे अवेलेबल है या नहीं और ये डिटेक्ट ऐसे किया गया था क्योंकि वीक सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से आ रही थी जिसे डिटेक्ट किया था किसने चंद्रयान वन ने तो दोस्तों मुझे लगता है चंद्रयान वन आपका टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि यही प्रीलिम से रिलेवेंट है और मेंस की भी हम जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको दिखा देंगे चंद्रयान टू के बारे में जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द चंद्रयान टू सी फ्रेंड्स चंद्रयान टू इज़ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी इट वाज अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट बिकॉज चंद्रयान टू वाज अ मिशन इन विच फर्स्ट मून लैंडर वुड बी लैंड ऑन द मून साउथ पोल बट दैट वाज फेल्ड इट वाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू हैव लैंड अ रोवर ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी आउटसाइड द अर्थ सो फ्रेंड्स सॉफ्ट लैंडिंग वॉज मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द मिशन दैट फेल्ड इनिशियली द रोबोट नेम्ड प्रज्ञान वुड हैव rotated, circumnavigated the moon, but actually it was unable to do that. So moon, one side gets light in every 14 Earth days, but other side always remain in the dark. Our mission was to explore that dark side of the moon. So friends, the lander and rover that were expected to land weighed 3500 kg, and GSLV Mark 3 was used to make and send them to the space. And for that, the lander was conducted. Test related to this was conducted in Chalakari, which is a multi-agency campus where ISRO and DRDO, BARC, IAS, CE work together. So the prelims from point of view of prelims, Chalakari, a place in Karnataka, becomes very important for your UPSC prelims. Just mark that where is Chalakari in Karnataka. It is artificial lunar site which was created for test for Chandrayaan 2. So friends basically remember this fact. तो दोस्तों Chandrayaan 2 mission जो था वो ISRO को जो capability देता था कि आप conduct कीजिए soft landing on the moon. But ये basically fail हो गया क्योंकि soft landing जो है हमारी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई. But जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि सोलर मून लूनर साउथ पोल क्या है देखिए लूनर साउथ पोल ऐसा है कि अर्थ का जब सन की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है यानी कि मून पे पड़ती है तो एक एरिया तो कॉन्स्टेंटली उसका जो है एक एरिया पे जो है कॉन्स्टेंटली आपकी लाइट पड़ रही होती है दोस्तों मगर ये लाइट जो होती है आपकी जो दूसरे एरिया पे जो होती है जब पड़ रही होती है एक सेकेंड दोस्तों तो बेसिकली जब ये मून है तो ये अगर रोटेट कर रहा है किसके ओर ये अर्थ है इसके चारों ओर अगर इस ऑर्बिट में मून रोटेट कर रहा है तो कंस्टेंटली क्या होता है एक साइड पे मून के जो है एवरी 14 डेज में जो है लाइट पड़ते रहती है और दूसरा साइड जो होता है मून का वो हमेशा अंधेरे में रहता है क्योंकि अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है तो इससे क्या होता है ये जो सन है इसकी जो लाइट यहाँ पर पड़ती है एक साइड इसका कंटिन्यूस डार्कनेस में रहता है तो यही आपको समझाना था कि लूनर साउथ पोल क्या है दोस्तों तो लूनर साउथ पोल आई थिंक यू गॉट इट व्हाट इज लूनर साउथ पोल और चलकेरी प्लेस क्या है
अब देखिए, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2008 व्हाइल चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2019। इट वाज लॉन्च्ड टू पीएसएलवी C11 व्हिच इज अ लाइट व्हीकल, वेयर एज जीएसएलवी MK3 वाज यूज्ड टू लॉन्च द चंद्रयान 2 मिशन। स्पेसक्राफ्ट साइज वाज 1380 kg, वेयर एज स्पेसक्राफ्ट साइज ऑफ द चंद्रयान 2 वाज 3850 kg। द मिशन लाइफ वाज ऑर्बिटर वाज 1 ईयर व्हिच फेल्ड इन 4 मंथ प्रीमैच्योरली, वेयर एज द चंद्रयान 2 मिशन फेल्ड इन 1 ईयर आफ्टर द लॉन्च ऑफ द रोवर। So, orbiter was launched from here. Orbiter is rotating, circumnavigating the moon, whereas the rover is not able to navigate due to lack of connection. So, the cost was 540 crore, whereas the cost here was 978 crore. The payloads used were Indian and international, whereas here was 14 Indian, many same as CY1, 1 from NASA, 8 from orbiter, 8 on orbiter and 4 on lander, 2 on rover. So, what were the results? Detected the presence of water, that are the achievement of Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2. India aims to be first country to land on the lunar and explore lunar south surface, but it is not able to do that because the soft landing was not able to be successful. You can take the screenshot of this infographic. I will be providing this in the Telegram channel as a mark of the PDF. So, speciality of this mission was crashed on the moon and impact probe near southern lunar hemisphere. We'll try to safely place Vikram lander near the south pole, so basically it failed. Now let us know what is GSLV MK3, which is used in this mission. So GSLV MK3 is used to launch Chandrayaan 2 mission, which is placed on the moon bound spacecraft in temporary orbit in the low earth parking orbit. I will discuss what is earth parking orbit, with perigee closest distance from the earth of 170 km at an apogee, the farthest distance from the earth. So friends, basically what is apogee and perigee? For example, this is earth. So what is apogee and perigee? I think you might have read this concept in the science section of this. So friends, this basically, this is perigee, which is the farthest distance from the earth, and this is apogee, which is the closest distance from the earth. So basically it will place the Chandrayaan 2 in the low earth parking orbit in the perigee, then and perigee of 45,475 km, understood? And EPO was 6,000 km and more originally investigated. As a result, number of earth phase steps maneuvers satellite to the highest altitude of 1140 apogee, which reduced to 5/6 lunar transaction injection maiden operational flight. The satellite was placed in the earth parking orbit, apogee increased. So friends, basically what was happening, let me show you another infographic for that. But I think you should know what was GSLV MK3. The basic motto behind inserting this slide was GSLV MK3. So GSLV MK3 was used to launch this vehicle, and the important fact regarding this mission Chandrayaan 2 was it found Mare Oriental Basin and Apollo Crater, which came first image captured by Chandrayaan 2 Vikram lander at a height of 2650 km above the lunar surface. So I think you would be knowing this. Now what is Venus mission? You should know what are the associated mission. Venus mission is a mission which plans to study the planet from an elliptical orbit closest to Venus, 500 to 6,000 km farthest end. Similar orbits, similar to its Mars orbiter mission of 2013, Moon orbiter mission Chandrayaan 1 of 2001, 2008, and Moon orbiter mission of 2013. The Venus voyage, if approved, would be the third interplanetary dash of ISRO. So friends, basically ISRO is planning to have a Venus mission which will, जो कि 500 से 6,000 km की orbit में जो है Venus पे rotate करे, और जैसे Moon की orbit से पे rotate करने के बाद जो है उन्होंने imaging दी, वैसे ही वो दे. So friends, basically we are going to discuss the most ambitious program of Government of India, that is manned space flight to Moon by 2020, the 75th year of independence, with 3 members crew on board with the help of GSLV MK3. So we are going to discuss this with the help of very good and relevant infographics. So basically the Indian perspective on sustained human space flight program depends upon the technology development phase to unmanned and one manned flight capability to launch humans and stay in space in 7 days. तो दोस्तों, जो इंडिया है उसने ड्रीम किया है कि हम जो है इसको 3 फेजेस में करेंगे. जो मैंड स्पेस फ्लाइट है, दिसंबर 2020 में फर्स्ट अनमैंड स्पेस फ्लाइट जो है हम लॉन्च करेंगे, जुलाई 2021 में जो है सेकंड अनमैंड स्पेस फ्लाइट हम यूज़ करेंगे, और जब हमें लगेगा कि हम पूरे तरीके से टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट हैं तो 2021 में जाएगा मैंड स्पेस फ्लाइट. और ये देखिए, ऑर्बिटल मॉड्यूल आपके सामने में है, आप देख सकते हैं कितना किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है. ऑर्बिटल मॉड्यूल दैट विल कैरी द ह्यूमंस टू द स्पेस. So capability for human space flight is the basic core objective of Gaganyaan mission. What is the core objective of Gaganyaan mission? Critically examine the Gaganyaan mission. Please write the answer on this question, because we will be
हैविंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच एज आई सेड। तो दोस्तों देखिए गगनयान मिशन जो था बेसिकली इट कैरीड ऑर्बिटर विच विल मीन्स क्रियो मॉड्यूल ऑर्बिटर मॉड्यूल विथ थ्री एस्ट्रोनॉट विच विल लिव इन 7 days इन स्पेस। सी दिस इज द ऑर्बिटर मॉड्यूल विच विल बी हैविंग द क्रू मेंबर्स एंड द एस्ट्रोनॉट्स। इट विल डिटैच फ्रॉम हेयर विच इज अ सर्विस मॉड्यूल विच गिव्स सर्विस ऑन ऑर्बिटर। सो बेसिकली इट विल डिटैच लाइक दिस आई वाज सेइंग इट विल डिटैच। सो बेसिकली द GSLV MK3 विल लुक लाइक दिस यू शुड नो। सो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट इसरोज कैपेबिलिटीज। व्हाट आर द इसरोज कैपेबिलिटीज नाउ? इसरोज कैपेबिलिटी इज सैटेलाइट सिस्टम स्पेस एप्लीकेशन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एंड एफिशिएंट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज विद इंडियाज इसरो एंड दैट इज प्राइड फॉर अस ऑल। सो व्हाट इसरो इज सर्चिंग टू डू न्यू ह्यूमन सेंट्रिक डोमेन्स ह्यूमन रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स। इसरो इज ट्राइंग टू डेवलप एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटीज एज वेल एज ह्यूमन लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज ह्यूमन लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज विच विल हेल्प इसरो टू हैव सस्टेन लाइफ ऑफ एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। सो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द इसरोज इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। वट आर द इसरोज एक्सपर्टीज दैट आर ह्यूमन लॉन्च व्हीकल दैट इज GSLV MK3 ऑर्बिटल मॉड्यूल विच इसरो हैज इंडिजीनियसली डेवलप लॉन्च पैड सिस्टम दैट इसरो इज हैविंग इन द अब्दुल कलाम आइलैंड। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन वेयर इज अब्दुल कलाम आइलैंड एंड सर्टिफिकेशन दैट आर द इसरोज बेसिक कैपेबिलिटीज। बट फ्रेंड्स दोस्तों इसरो को और भी चीज़ें जो हैं इसमें चाहिए होंगी जैसे कि क्रू ट्रेनिंग जो कि हम रशिया से कर रहे हैं के साथ कोलेबोरेशन से कर रहे हैं क्योंकि मैंने इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की बात इसलिए की थी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जो है वो सपोर्ट यूएसए कर रहा है और फ्लाइट सूट जो है ये भी इंटरनेशनल कोलेबोरेशन से इसरो को मिल रही है। तो आइए आगे जानते हैं कि जो मैं बात कर रहा था कि इसरो का जो मिशन है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो देखिए GSLV MK3 जो है वो इसे लिफ्ट करेगा कहाँ तक? लो अर्थ ऑर्बिट तक। लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होगा? ये 1470 पेरिगी और जो मैंने एपोजी और पेरिगी आपकी डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं कि जो एपोजी और पेरिगी थी 4750 और 2735 की जो एपोजी और पेरिगी थी उसमें इसरो ने जो है दैट विल बी लॉन्च्ड इन दिस वे एंड व्हेन द क्रू मॉड्यूल रीचेस हियर द क्रू मॉड्यूल विल री एंटर इन द मून्स ग्रेविटेशनल पुल एंड देन व्हेन इट विल कंप्लीट इट मिशन इट विल कम बैक एंड इट विल बी लैंडिंग इन द बे ऑफ बंगाल। आई थिंक यू अंडरस्टूड द मिशन how it will be going. So friends, the second topic by chosen by us is Law Commission of India. Law Commission of India is approved by Government of India. In every 3 years, it is an executive body which advises the government on the legal complex issue and the head of this is higher Supreme Court, the High Court Chief Justice or Supreme Court Judge. तो दोस्तों जो Law Commission of India है वो हर 3 साल में बनाया जाता है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन द लीगल कॉम्प्लेक्स इशूज ये हेड की जाती है एक हायर कोर्ट के जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। सो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GS2 विच इज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देयर स्ट्रक्चर एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट एंड दैट कैन बी कवर्ड थ्रू द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ NCRT दैट इज क्लास 11th NCRT ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वेयर एज चैप्टर 6 you can find it on chapter 6 of 11th class NCRT and you can also refer the previous year questions for the in-depth analysis of the United Nations topics how they are asking the questions. So basically we are going to discuss the previous year questions in our previous year question discussion series, so please watch it. So friends United Nations is having presently 193 members which was established in 1946 by replacing the League of Nations after the Treaty of Aix-la-Chapelle. So principal organizations of UN are UN Security Council with 15 members, 10 non-permanent and 5 permanent members. These 10 non-permanent members have a 2-year tenure after which they are re-elected by the UNGA, United Nations General Assembly. What is UNGA? General Assembly is a assembly of all the nations country and after that there comes International Court of Justice which was recently in news for the Kulbushan Jadhav case. After it there is Economic and Social Council, there is Secretariat which deals with the staff matters of United Nations and its organ. There is a trusteeship, there was a trusteeship council which basic core objective was to have a trust between all the stakeholders of United Nations but it is now suspended since 1994. What नाउ वी आर टॉकिंग दीज पॉइंट्स विद द परस्पेक्टिव ऑफ मीन्स। तो दोस्तों ये सभी जो थी यूएन की जो है प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 193 मेंबर्स अभी प्रेजेंट में यूएन के हैं और ये जो थी 1946 लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके बनाई गई थी। इसके अलावा इसमें 15 मेंबर हैं 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। UNGA असेंबली वो है जिसमें सभी मेंबर्स आते हैं। ICJ इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि कुलभूषण जाधव के सभी रिसेंट में हाल ही में आया था और उसमें ICJ का वर्डिक्ट पाकिस्तान ने माना था जो कि था वीना कन्वेंशन ऑन कंसुलर एक्शन एक्सेस। तो मैं इस पर आगे बात करूंगा। सो बेसिकली ये मेंस पर्सपेक्टिव से ये अगला पॉइंट रहेगा दोस्तों। प्रीलिम्स और मेंस कहीं भी
अलग अलग नहीं है, तो वट शुड बी द इंडियाज ऑब्जेक्टिव इन यूएनजीए, इंडियाज ऑब्जेक्टिव शुड बी टू बिल्ड अ स्टेबल एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, इंडिया विल बी प्रमोटिंग इट्स ओन पीपल्स प्रॉस्पेरिटी, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एंड रूल ऑफ बेस्ड ऑर्डर, सो बेसिकली कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया शुड बी दिस, यू कैन राइट दिस पॉइंट्स फॉर द मेन ऑर्डर. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आई थिंक कुलभूषण जाधव केस एंड वट इज ICJ. सो बेसिकली द ICJ टॉपिक, फ्रेंड्स यू कैन कवर द ICJ टॉपिक्स फ्रॉम द बेसिक बुक्स लाइक NCERT. आई गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन कवर दिस. सो बेसिकली इट कम्स अंडर द टॉपिक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट. सो दैट वॉज इन न्यूज फॉर कुलभूषण जाधव केस एंड वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर एक्शन. सो लेट अस नो वट इज वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर एक्शन. सो फॉर बिफोर दैट लेट अस नो वट इज ICJ. ICJ इज हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन नीदरलैंड. इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1946. इट इज हैविंग 15 इलेक्टेड जजेस विच आर नोन ईयर इन टर्म बाय UNGA एंड UNSC. वन थर्ड ऑफ द जजेस आर इलेक्टेड इन एवरी थ्री ईयर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द जजेस. जजेस वंस इलेक्टेड इन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर डी एलिजिबल टू री इलेक्ट इन दिस. सो मेंबर इन दिस कंट्री वाइज आर 3 फ्रॉम अफ्रीका, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका, 3 फ्रॉम एशिया, 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट एंड 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप. सो यू बेसिकली शुड रिमेंबर दिस फैक्ट. तो दोस्तों ICJ जो है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, जिसका हेडक्वार्टर है हॉज नीदरलैंड में, जिसमें 15 जजेस हैं जो कि एक नॉन ईयर के लिए जो है UNGA और UNSC के द्वारा जो है चुने जाते हैं. वन थर्ड ऑफ मेंबर जो होते हैं इनके हर 3 साल में जो होते हैं वो रीइलेक्ट होते हैं टू मेंटेन कंटिन्यूटी, और एक बार अगर इलेक्ट हो गए तो ये रीइलेक्शन के लिए जो हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं. तो वट आर द मेन फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. जो कोर ऑब्जेक्टिव हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो हैं टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड बाय द स्टेट्स इन अकॉर्डेंस टू द इंटरनेशनल लॉज, टू एक्ट एज एन एडवाइजरी बोर्ड ऑन द इशूज सबमिटेड बाय ऑथराइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो बेसिकली ये जो हैं दो हमारे कोर ऑब्जेक्टिव हैं किसके, दीज आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन 1963. इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सोवरेन कंट्रीज पर्टेनिंग टू द कंसुलर इशूज. वट आर द कंसुलर इशूज, द इशूज विच आर पर्टेनिंग टू द टू कंट्रीज एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर. तो बेसिकली ये 1963 में साइन की गई थी. इट एक्सटेंसिवली कवर अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमंग द पीपल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, कल्चर, साइंटिफिक एंड अदर रिलेशंस विद द कंट्रीज. सो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कन्वेंशन आर डिस्कस. सो आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन से दैट इफ एनी फॉरेन नेशनल इज डिटेन्ड और अरेस्टेड बाई एनी क्रिमिनल और इमिग्रेशन चार्जेस, सो ही शुड बी एंटाइटल्ड टू हैव द कंसुलेट एक्शन फॉर हिज अरेस्ट. द डिटेनी पर्सन इफ रिक्वेस्ट द पुलिस शुड नोटिफाई द एम्बेसी. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रेगुलर कंसल्टेशन विद द कंसुलर ऑफिशियल ड्यूरिंग द डिटेंशन. सो बेसिकली जो कुलभूषण जाधव केस में हुआ था वो भी यही हुआ था कि जो है इंडिया जो है बार बार कंसुलर एक्शन की मांग कर रहा था, मगर पाकिस्तान उसे कंसुलर एक्शन दे नहीं रहा था. मगर इस पर जो है ICJ का बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट आया जिसमें पाकिस्तान को अंततः वो मानना ही पड़ा. द सेंस ऑफ आर्टिकल 36 इज टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन नेशनल एंड हिज कंट्री ऑफिशियल इन द फॉरेन लैंड. तो बेसिकली ये कहती है कि अगर कोई इमिग्रेशन चार्जेस के आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है चुना गया है तो उसको किस प्रकार से जो है अपने देश के लोगों से जो है एस्टेब्लिश करना है कनेक्शन. सो दिस इज अ मेन्स पर्सपेक्टिव PPT नाउ. सो दिस स्लाइड विल बी फ्रॉम द मेन्स पर्सपेक्टिव. सो द वट इज द चेंजिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. सी द वेस्ट वेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट UNSC नाउ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या हो सकता है विश्व में पीस और शांति जो है एस्टेब्लिश करने में. सो वेस्ट ईस्ट एशिया में इंसर्जेंसीज एंड टेररिज्म, ह्यूमन नार्कोटिक्स एंड ट्रैफिकिंग इज राइजिंग कंटिन्यूसली. ईरान न्यूक्लियर डील्स और ISIS नॉर्थ कोरिया तैलिस्मान और अफगानिस्तान के जो इशूज़ हैं वो कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं दोस्तों. और पॉपुलराइजेशन पॉपुलिज्म अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो लगातार बढ़ रहा है. USA की US फर्स्ट पॉलिसी और सभी नेशंस का अल्ट्रा नेशनलिस्ट होना जो है बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है सभी देश के लिए. हैंडली किंग्सगर ने वर्क वर्ल्ड ऑर्डर करते हुए उन्होंने दे फाउंड दैट ग्रेटर स्टेट ऑफ डिसऑर्डर देन इट वाज सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और गोल ऑफ UNSC क्या होना चाहिए, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. 2050 तक चाइना जो है वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री होने वाला है जो कि एक एम्पीरियलिस्टिक कंट्री है. तो इसके लिए इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं दोस्तों. तो दोस्तों लेट अस नो व्हाट आर द इश्यूज़ विच इंडिया शुड फोकस मोर. से फ्रेंड्स बेसिकली इंडिया शुड एम टू डू इज द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, इंक्रीज द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू UN. What will happen after the increase in the financial contribution of UN? Friends, basically, after increasing the financial contribution to UN, the P5 members will having more
generous aptitude towards India because the P5 nations only, the power 5 economies only contribute more. India must help UNSC members to be away from the perils of the invoking principles of humanitarian intervention. So, जो बार बार इंडिया के ऊपर आरोप लगते हैं कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो इंडिया को इस पर क्लियर स्टैंड रखना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी प्रमोटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज अ की ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ. इंडिया शुड ऑल्सो इंश्योर दैट यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी शुड सैंक्शन ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडिया नेशनल इंटरेस्ट. एंड इंडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू हैव गुड रिलेशन विद द ग्रेट पावर्स बिकॉज इन दिस वे इंडिया कैन हैव इंक्लूजन the rule of law, constitutionalism and rational internationalism. So friends, India should also be harmonized response in relation to the harmonized relation of the international courts. Rule-based international order should be embraced by India. So friends, we think that you have got in-depth knowledge about INSC, UNSC and other related organization. So basically, what is UN Women? UN Women is known as United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment. Its headquarters is in New York with the Sustainable Goal of Development 5, International Atomic Energy Agency. It was set up in 1957. Its headquarters is in Vienna. Its objective is to promote peaceful nuclear energy and to inhibit its use of military purpose, including the nuclear weapons. After that, it is independent of UN, but it reports to UN General Assembly, plus it has also won the UN Peace Prize of 2005. It is also called as UN Atomic Watchdog, which is basically news because of Iran has said it is under the continuous monitoring of IAEA. So friends, let us discuss United Nations Convention on Desertification, UNCCD. I was thinking to have less topics, but the topics have increased simultaneously. So basically, the first the COP14 conference was held in India recently. In the previous edition, India was committed to restore 13 million hectares of the deforested land by 2020. But India has planned to have additional 8 million hectares by 2020. The Bonn Challenge is a global effort to bring the 150 million hectares of the deforested and degraded land by restoration by 2030 and 350 million hectares by 2030. United Nations ki jo teen major conventions hain that are United Nations Framework on Climate Change, United Nations Convention on Biological Diversity, United Nations Convention on Combat Desertification was established in 1994 after the Rio Earth Summit. The UNCCD is not a legally binding agreement and it is linking the environment development issues with the land agenda. So the Global Land Outlook report is also published by UNCCD. Friend, I am saying that not a single question will be asked aside of these paragraph. We have segregated all the newspapers and found this much only relevant for your exams. So basically mug up these points to qualify the prelims. So let's discuss what is United Nations Security Council. It is one of the six principal organ of United Nations, which is charged with the maintenance of international peace and security. Basically, it is having all the Security Council that I discussed, the 10 plus 5 members. Its power of establishment of peacekeeping operation and the establishment of international sanctions and authorization of military action against the Security Council resolution. So India is the greatest contributor to UNSC security troops. You should also remember this point. The UN body is the authority to issue the resolution to the binding members. Also, the UNSC consists of 15 members. Russia, the United Kingdom, France, China, United States serve as P5 members with the veto power. The Security Council have 10 non-permanent members which are elected on the regional basis for 2 years. The body rotates its presidency monthly. So I would like to ask whether the India is a member of UNSC or not. So friends, I am asking about the non-permanent member. Is India a non-permanent member of UNSC or not? You have to find it and you have to tell in the comment section below. Those who will be commenting would be given the PDF of these notes free of cost. So World Food Program, we are going to discuss. World Food Program is a branch of United Nations, world's largest humanitarian organization addressing the hunger and promoting food security. Its headquarters is in Rome, Italy, and a member of United Nations Development Group. So friends, these points are very much relevant for your prelims. So basically, you should must watch. So friends, the question for the mains is, the world order has clearly moved from unipolar to multipolar world. It is need of reforming UNSC. Should India get membership in UNSC and why? Comment. So you have to write this answer and you have to submit it in our mains answer writing group. For that, you need to visit our WhatsApp. That is number I will provide at the last of the video. So please be patient. So what is the way forward? Because India is a great nation, but it is not a great power. To become a great power, India can stride the global stage conference. Confidence in the absence of stable relation with the neighbors. India must lift the game in South Asia neighbors along with the UN and UNSC.
सो इंडिया को जो है रीजनल लीडर के रूप में उभर के आना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो गैंगेटिक डॉल्फिन के ऊपर बात करेंगे। सो इशूज रिलेटेड टू इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन आर दैट अ वेसल साउंड एंड नॉइज जनरेशन इज द बेसिक कोर इशू रिलेटेड टू द गैंगेटिक डॉल्फिन। इट्स IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। इट्स स्टेटस अंडर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज होमवर्क फॉर यू। यू हैव टू फाइंड आउट बिकॉज समथिंग शुड बी relevant for you that you can remember these PPTs and what we are discussing. So site's appendix 1, it is placed in appendix 1 of the site. और जो इसको ये पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है दो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में, जो कि है सुल्तानगंज टू कालीगंज ब्रह्मपुत्र रिवर पर, विच इज़ ओनली डॉल्फिन सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है। अभी अभी जो है अगला जो टॉपिक है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो है अर्थक्वेक के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे अर्थक्वेक के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, अभी हम बताएंगे। सो रिसेंटली 3 अर्थक्वेक ट्रेमर्स फॉर फेल्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एट द रिक्टर स्केल ऑफ 5.6 3.9 एंड 4.9। सो रिक्टर एंड मर्केली स्केल, आप ये बताइए इंटेंसिटी स्केल कौन सी है और मैग्नीट्यूड स्केल कौन सी है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन UPSC इस तरीके से घुमा के पूछ सकती है। आप अगर ये कवर करना है, ये सिलेबस का पार्ट है, GS1 का पार्ट जियोफिजिकल फिनोमेना दैट इज अर्थक्वेक सुनामी वोल्केनो एक्टिविटी, और GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यू कैन कवर इट द बेस फ्रॉम NCERT क्लास 11th फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम अंडर जोन 5 और सिस्मोलॉजिकल जोन जो है इंडिया के वो चार जोन में अभी 5 में थे पहले, मगर अब 4 जोन में कर दिए हैं 2, 3, 4 एंड 5। तो ये क्रिएट किए जाते हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो का जो टॉपिक आ चुका है वो सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया हैं। तो देखिए सिस्मिक जोन्स आपके इंडिया के जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 हैं। तो देखिए बेसिकली जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है इसे कहते हैं IPSZ यानी कि इंडो सांको सुल्चर जोन। तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जोन है, जहाँ पे अर्थक्वेक की जो है संख्या जो होती है दैट इज़ वेरी टू द पीक, इट इज़ कॉल्ड द सिंटैक्सियल बैंड। एंड सुल्चर जोन में क्या होता है, यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो होती है 0.9 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से जारी होती है, मगर ये 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से जो होती है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट जारी होती है, जिसकी वजह से जो है कंटिन्यूस कोलिजन होता है और यही वजह बनना हिमालयस के ओरिजन के लिए। तो दोस्तों ये जो जोन है ये जोन 5 में है। इसके अलावा अंडमान निकोबार के कुछ पार्ट्स जो हैं वो जोन 5 में है, या गुजरात के कुछ पार्ट जोन 5 में है। इसके अलावा जो है जोन 3 में ये वाला पूरा एरिया आ जाता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ एरिया तेलंगाना इधर के कुछ एरिया। बाकी का जो जोन बचता है वो जोन 2 में आता है, जो कि क्रेटोनिक एरिया है इंडिया का, जहाँ पे क्रेटोनिक शील्ड है, मगर यहाँ पे भी लातूर में जो है अर्थक्वेक आया था जिसके लिए जिम्मेदार था सिस्मिक इंड्यूस्ड रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिक, उसको कहते हैं RIS रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिक रेडिएशन। तो यू शुड नो व्हाट इज रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिक रेडिएशन। तो बेसिकली आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल में क्या डिफरेंस है। रिक्टर स्केल जो है 0 to 10 है, या अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है जो कि एनर्जी रिलीज है और सिस्मोग्राफी इसमें यूज होती है, वेयर एज मर्केली स्केल जो है वो इंटेंसिटी के लिए यूज होता है, ऑब्जर्वेशन ओनली, और इसमें सिस्मोग्राफ जो है बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों का धन्यवाद क्योंकि आपने जो हमारे 1000+ सब्सक्राइबर आपने किए हैं, आगे भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर जो मेन आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे जो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे इसकी PDF अवेलेबल होगी वो है telegram.com/IAS, फेसबुक पे IAS14 और यूट्यूब पे IAS, और हमारी ईमेल आईडी है IAS.help@gmail.com। प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज अस, वी विल बी थैंकफुल टू यू इफ यू गिव योर फीडबैक। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट वी कैन मेक मोर क्वालिटेटिव वीडियोस। ये सबसे क्वालिटेटिव वीडियो है दोस्तों, तो आप ये निश्चिंत रहें कि आपको क्वालिटी में कोई कमी रहेगी। यूट्यूब पे सारे चैनल जो है आप देख लीजिए और इस वीडियो की जो क्वालिटी है वो आप देख लीजिए। मैं ये एश्योर करता हूँ कि अगले प्रीलिम्स में कम से कम अगर करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 17 क्वेश्चन जो होंगे हमारे इस करंट अफेयर रिवीजन सीरीज से आएंगे। देर विल बी 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 फ्रॉम आवर दिस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अगर हम क्वालिटी दे रहे हैं तो यह सब चीज़ें आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो ऐसी ही क्वालिटेटिव वीडियोज़ आपके लिए IAS लाते रहेगा।